नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज़। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता आलोक कुमार की खबर साहिबगंज से। पूरे झारखंड राज्य समेत साहिबगंज जिला में भी बढ़ते कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए सदर प्रखंड के अंचला अधिकारी कुमार कनिष्क ने आज शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर बिना मास्क पहनकर चलने वाले लोगों की जाँच की है। जी हाँ, वहीं इस दौरान जो लोग शहर में बिना मास्क पहनकर इधर उधर घूमते पाए गए, उनका चालान भी नगर परिषद के कर्मचारियों के द्वारा अंचलाधिकारी की उपस्थिति में काटा गया है। उधर मास्क चेकिंग अभियान को देखते हुए शहर में बिना मास्क लगाकर चल रहे लोगों के बीच हड़कंप मचते हुए भी देखा गया। जी हाँ, वहीं पुलिस के जवान बिना मास्क पहनकर चल रहे लोगों को रोककर उनके मास्क नहीं पहनने का कारण भी पूछे एवं उनका चालान भी काटा। क्या लाइन है, पता है कि नहीं है क्या? कैसे चलान कर दो वाला गाड़ी नहीं होता है तो मतलब ऑटो वाला जो पैसेंजर मतलब आपके लिए अलग नियम चलता है क्या? 200 रुपये भरी और जाइए। और जब आप लोग इस तरह से कीजिए कोरोना से संक्रमण की रोकथाम के लिए बार बार जिला प्रशासन की तरफ से ये मास्क चेकिंग अभियान चलाया जाता है, लेकिन बार बार अलग अलग जगहों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाने के बाद भी जनता लापरवाही बरत रही है। इसी क्रम में आज मास्क चेकिंग के साथ साथ फाइन वसूली का भी कार्यक्रम किया जा रहा है, ताकि जनता आगे से सतर्क रहे और कोरोना के रोकथाम को बढ़ने की गति को रोका जा सके।